विधानसभा परिसर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे सहित कई नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने गरीबों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद है। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि दी। आज विधानसभा के परिसर में आकर उनका माल्यार्पण, पूरी भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल आकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़े समाज का गौरव बढ़ाने का काम किया और सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने कल से व्यक्तिगत रूप से बधाई देते हुए देना ही चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने इस पूरे कार्य को किया कि भारत रत्न सरदेव कर्पूरी ठाकुर को देने का काम, कुछ विचार बदलना नीतीश कुमार जी का अब ये मैंने। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो गरीबों की बात करते थे बिहार में उनको भारत रत्न दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। गरीबों के और ईमानदारी के प्रतिमूर्ति के रूप में सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का जिस तरह से बिहार में योगदान था, अति पिछड़ों के बीच जो क्रेज था, आज उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मरणोपरांत ये सम्मान दिया। लोग करनी कथनी एक नहीं किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इनका सम्मान कर करके पिछड़ों अति पिछड़ों और बिहार का सम्मान किए हैं। प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी का राजनीति में जो ईमानदारी का वातावरण था, ईमानदारी की छवि थी, आज जो नेता इनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग इनसे प्रेरणा लें ताकि ईमानदारी से वो काम जनसेवा कर सके। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई घड़ियाली आंसू बहाते हैं। वहीं नीतीश कुमार की एनडीए से नजदीकी पर कहा कि कोई नजदीकी नहीं है, वो दुनिया जानती है, उस पर पुस्तक भी लिखी गई है, साक्ष भी है, उसका प्रमाण भी है, हम लोग उस समय देखते थे। और कर्पूरी जी के बारे में आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कर्पूरी जी जैसे गरीब लोग जिनको एक जीप का बेचारा ने जीप मांगा था, एक जीप दो पार्टी में, उस समय उनके बोला जीप नहीं मिलेगा, आप तो इतना दिन मुख्यमंत्री रहे जीप नहीं है, बोला मेरे पास तेल का पैसा नहीं है। लेकिन ये गरीब लोग, ये गरीबों को ठगने वाले, ये बड़े भाई छोटे भाई गरीबों को ठगते हो, एक वो थे जिनके पास तेल भराने का पैसा नहीं रहता था और उनका अपमान किया था तुम दोनों ने। सर सर नीतीश मैं प्रमोद कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव, 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत देशवासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को और विशेषकर रफीगंज विधानसभा वासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ।